रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम बहुत ही बिंदास और मौज मस्ती में रहने वाली लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ वीर एक बहुत ही शांत और सिंपल टाइप का लड़का था। पूनम कुछ दिन पहले अपनी दोस्त रिया की शादी में गई हुई थी, जहां वीर भी अपने पूरे परिवार के साथ आया था। शादी में वीर की नज़र पूनम पर जाती है, जो अपनी सहेलियों के साथ बिंदास अंदाज में डांस कर रही होती है, जिसे देखकर वीर अपनी माँ सरोज से कहता है, माँ आप उस लड़की को देख रही हैं जो कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रही है। हाँ बेटा, लेकिन तुम मुझे उसे देखने के लिए क्यों बोल रहा है? वैसे लड़की देखने में तो बहुत अच्छी है। जी माँ, मैं भी जब से शादी में आया हूँ इसी लड़की को देख रहा हूँ। मुझे लड़की बहुत पसंद है। पहली बार किसी को देखकर लगा है कि मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। सरोज उस लड़की की जानकारी निकलवाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद सरोज को पता चलता है कि पूनम दिल्ली शहर में अपनी चाची अनीता के साथ रहती है, जिसके बाद वो बिना वक्त गवाए अपने बेटे वीर का रिश्ता पूनम के लिए लेकर उसके घर आती है और सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीते हैं। काम में बिजी होने के चलते वीर पूनम को टाइम नहीं दे पाता था, जिस कारण दोनों की आपस में बनती तक नहीं थी। ऐसे ही एक दिन शाम के समय वीर ऑफिस से घर आता है और पूनम को किचन में जोर जोर से गाने गाते हुए काम करता देखकर उसके पास जाकर कहता है, आप ये क्या कर रही हैं? आप कोई बच्ची नहीं है, किसी के घर की बहू है। आपको इस तरह से बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। वीर जी, मैंने ऐसा भी क्या किया है? मैं तो बस बोर ना हो जाऊं इसलिए किचन का काम गाना गाते हुए कर रही थी। कोई भी काम करिए उसे शांति से करना चाहिए, शोर मचा कर नहीं। और आप कोई बच्ची नहीं है, आगे से ध्यान रखिएगा। भगवान, आपको इन्हें ही मेरा पति बनाना था। इनकी और मेरी सोच दूर दूर तक नहीं मिलती। न इस इंसान के दिल में प्यार है, न केयर, न कोई फीलिंग्स। पत्थर है एकदम, कोई पत्थर। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वीर और पूनम आपस में बातें कर ही रहे थे कि पूनम की सास सरोज वहाँ आकर कहती है, क्या हो गया बहू, तूने अपना गाना क्यों बंद कर दिया? कम से कम तेरे गाने से इस घर में थोड़ी रौनक तो लगती थी। माँ जी, वो मैं वीर जी। बहू, ये क्या बोल रही है तू? माँ, मैंने मना किया है गाने से। ये कोई बच्ची नहीं है जो गाना गाए बेवजह। हर चीज का टाइम होता है। दुनिया में बहुत बोरिंग लड़के देखे होंगे, लेकिन इनके जैसा नहीं देखा। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। इतना ही अकेले रहने का शौक था तो शादी ही क्यों की थी। जाने दीजिए माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप बताइए, आपको कोई काम था मुझसे? बहू, मैं तो तुझे ये बताने के लिए आई थी कि कल तेरा देवर अनीश अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रहा है। तुम दोनों की शादी में वो अपने पेपरों के चलते नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर लूंगी। वो सब तो ठीक है पूनम जी, लेकिन आप उससे बड़ी हैं, इसीलिए उसके सामने कोई बचपना मत दिखाना। जी वीर जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आपको कुछ बोलने की जरूरत पड़े। आपस में बात करने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करके अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पूनम जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। वो काम कर ही रही थी कि अचानक डोरबेल बजती है और जैसे ही पूनम दरवाजा खोलती है तो उसके सामने जीन्स टी शर्ट में एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा होता है, जो कि कोई और नहीं उसका देवर अनीश था, जिसे देखकर वो बस देखते रह जाती है। और अनीश कहता है, हाय बेब्स, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आइए, लेकिन ये बेब्स क्या है? बेब इसलिए क्योंकि भाभी थोड़ी ओल्ड फैशन है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, कभी मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा। कोई बात नहीं, आज से मैं आपको बेब्स ही बोलूँगा। जी ठीक है, आपको जो ठीक लगे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही वीर जी की पत्नी हूँ? बेब, शादी में तो मैं नहीं आ पाया था, लेकिन फोटोज मेरे पास सबकी आ गई थी, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। लगता है आपकी मेरी बहुत जमेगी। हो सकता है, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं सबको बता देती हूँ कि आप आ गए हैं। ओके। अनीश इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पूनम की नज़र अनीश से हट ही नहीं रही थी। वो उसे देखकर उसकी बातें सुनकर अपने मन में सोचती है, लगता ही नहीं कि ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों में कितना अंतर है,
एक इतना बोरिंग है तो दूसरा कितना रोमांटिक, कितनी अच्छी बातें करता है। हाय, लोग अपने पति के दीवाने होते हैं, मैं तो अपने देवर की ही दीवानी हो गई हूँ। पूनम इतना सोचकर दोबारा से अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीते हैं। अनीश के आने के बाद पूनम बहुत खुश रहने लगी थी। उसका ज्यादातर समय अनीश के साथ ही निकला करता। उसकी बातें, उसकी केयर, उसकी तरफ ही वो खिंची चली जाती। ऐसे ही एक दिन शाम के समय वो हॉल में बैठी अकेले टीवी देख रही होती है, तभी अनीश वहाँ आकर कहता है, क्या बेब्स, आप घर में बैठ के टीवी में मूवी देख रही हो, आपको तो हॉल में जाकर देखना चाहिए। बाहर घूमने और मूवी देखने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना, पर यहाँ तो मेरे पति बोरिंग है, मुझसे ठीक से बात करने का टाइम नहीं है उनके पास, मूवी क्या लेके जाएंगे। बेब्स कहाँ खो गई, आप कुछ बोलिए तो। देवर जी, मुझे कौन ले जाएगा बाहर, आपके भाई के पास तो टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपका देवर है ना, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अनीश इतना कहकर पूनम को अपने साथ मूवी दिखाने लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद दोनों शाम के समय घर वापस आते हैं, तभी पूनम की सास सरोज उससे कहती है, बहू कहाँ चली गई थी तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, वो मैं देवर जी के साथ मूवी देखने के लिए चली गई थी, माफ करिए आपको बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं बहू, अब शाम हो गई है, जाके खाने की तैयारी कर ले, वीर के आने का समय हो गया है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। पूनम इतना कहकर किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है। कुछ समय बाद अनीश वहाँ आकर किचन के कामों में उसका हाथ बटाते हुए कहता है, जब घूमने हम दोनों एक साथ गए थे तो मेरी वजह से आपका काम लेट हुआ, तो आप अकेले काम क्यों करेंगी बेब्स। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है देवर जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। नहीं बेब्स, मैं करवाता हूँ ना, आप भी थक गई होंगी। देवर जी कितने रोमांटिक हैं, कितनी केयर करने वाले हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, मैं तो दिन पर दिन इनकी और भी दीवानी होती जा रही हूँ। पूनम को अनीश की बातें और उसका तौर तरीका सब कुछ भाने लगता है और वो ऑलमोस्ट अपने देवर की दीवानी हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है, तभी एक दिन अनीश अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे सुना रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई वीर वहां आता है, जिसे देखते ही वो कॉल कट करता है। और तभी वीर बोलता है, अनीश तू इतना चिल्लाकर किस लड़की से बात कर रहा था। देखिए भैया, आप बड़े हैं तो बड़े बन के रहिए, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दखल दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अनीश, लेकिन वो लड़की कौन है और तू उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। भैया वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जैसे मर्जी उसे ट्रीट कर सकता हूँ। अनीश, मैं बस इतना कहूँगा कि लड़की चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ, पहले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो और तमीज से बात करना सीखो। मुझे किससे कैसी बातें करनी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अनीश और वीर की सारी बातें पीछे खड़ी पूनम सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो मन ही मन सोचती है, जो इंसान उस लड़की की कदर और इज्जत नहीं कर सकता जो उससे प्यार करती है, या जिसके अंदर अपने बड़े भाई से बात करने की तमीज ना हो, वो मेरी क्या ही कदर करेगा। मैं ही पागल थी जो इसके दिखावे के पीछे दीवानी घूम रही थी, इससे अच्छा तो मेरे पति ही हैं जो मुझे इज्जत तो देते हैं। अनीश का दूसरों के प्रति व्यवहार देखकर पूनम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने देवर के प्रति अपना दीवानापन भुलाकर अपनी गृहस्थी को संभालने पर ध्यान देती है। पीहू दर्द से तड़प रही होती है, जिसके कारण वो जोर जोर से रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान लेगा, जाने अनजाने मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे भगवान। पीहू चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी छुपकर सलेटी और मिट्टी के बर्तन खाना। उसकी माँ बेला पीहू की इस आदत से बेहद परेशान रहती थी। आए दिन वो अपनी बेटी पीहू को इसके लिए टोका करती थी। एक दिन पीहू अपने कमरे में बैठी सलेटी और मिट्टी का टुकड़ा लिए उसको खा रही होती है कि तभी वहाँ पर बेला आती है और उसको ऐसा करता देखकर गुस्से से बोलती है, पीहू तू कब सुधरेगी, इतनी बड़ी हो गई है, अकल कब आएगी तुझे, ये खाना छोड़ दे, आगे अगर दर्द हुआ ना पेट में तो रोएगी। अरे माँ, कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लो। कैसे ना लूँ टेंशन, तुझे तो फिकर नहीं है, पर मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मुझे नहीं पता अगर तूने आज के बाद ये सिलेटी या मिट्टी खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा और हैवी कौन मम्मी। हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक, बाद में याद आएगी माँ की ये टोका टोकी। पीहू पर उसकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता और वो आए दिन छुप छुप कर सलेटी और मिट्टी खाती रहती।
ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज में सलेटी खा रही होती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त पिंकी उससे कहती है, ओ बद्दिमाग लड़की, एक पड़ेगा तेरे खींच के थप्पड़, ये क्या खा रही है, फेंक इसको। क्या है यार पिंकी, खाने देना, तुझे चाहिए तो तू भी ले ले, पर मुझे मत रोक। तेरे कान के नीचे पड़ेगा अगर तूने इसको फेंका नहीं, पता है कितनी बुरी चीज है ये पेट के लिए। तू रहने दे, अपना ये मेडिकल का ज्ञान ना तू अपने स्टूडेंट्स को दियो, मुझे मत दे। जा मर फिर, और अगर पेट दर्द होने पे मेरे पास आई ना कि यार पिंकी कोई दवाई दे दे, तो दवाई के नाम पे एक मुक्का दूंगी। पीहू और पिंकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। पिंकी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो जानती थी कि मिट्टी और सलेटी खाने से क्या नुकसान होते हैं। लेकिन पिंकी के समझाने पर भी पीहू के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। ऐसे ही समय निकलता जाता है और अब पीहू का कॉलेज भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद उसकी शादी के लिए अभिषेक नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अभिषेक अपनी माँ कुसुम के साथ पीहू को देखने उनके घर आता है। दोनों माँ बेटे को पीहू बहुत पसंद आती है और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। पीहू अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती है, लेकिन सलेटी और मिट्टी खाने की आदत अब भी उसकी नहीं जाती और वो बहुत सारी सलेटी और मिट्टी के बर्तन टुकड़े करके खाने लगती है। साथ ही अपने कमरे की अलमारी में भी छुपा कर रख लेती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम पीहू से कहती है, बहू, ओ बहू, जरा इधर आ। हाँ माँ जी। अरे ये देख बहू, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मेरे पैरों में चुभ गया, ठीक से साफ सफाई नहीं करती क्या तू? पीहू ये देख कर डर जाती है कि कहीं उसकी सास के सामने ये उसकी मिट्टी के बर्तन खाने की आदत न आ जाए, इसीलिए वो इसको छुपाने को सोचती है। माँ जी अच्छे से धोखी थी, लगता है शायद रह गया गलती से, लाइए मैं फेंक देती हूँ इसे। पीहू बात को छुपाते हुए बच जाती है। ऐसे ही एक दिन पीहू के पेट में दर्द होता है। दर्द हल्का होने पर वो ध्यान नहीं देती, लेकिन शाम होते होते उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है, जो कि उसके बर्दाश्त से बाहर होता है। वो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगती है, साथ ही अपनी सास और अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है, अभी जी, माँ जी, कहाँ है आप दोनों, जल्दी आइए, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। पीहू की दर्द भरी आवाज सुनकर दोनों माँ बेटे भागे आते हैं और उसको दर्द में देखते हुए अभिषेक पीहू को तुरंत उसी की ही डॉक्टर दोस्त पिंकी के पास ले आता है। पिंकी पीहू का पूरा चेकअप करती है और दर्द की वजह जानने के लिए उसके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके पता लगाती है और उसको जिस बात का डर होता है वही हो जाती है, जिसके बाद वो पीहू के पास जाकर उससे बोलती है, क्यों मैडम, कहा था ना छोड़ दे ये बुरी आदत है, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, लो हो गई ना प्रॉब्लम। अभिषेक पिंकी की बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाता और वो पिंकी से पूछता है, क्या बात है पिंकी, कैसी आदत, क्या हुआ है पीहू को, इतनी तेज दर्द आखिर उसको किस वजह से हुआ है? आपको नहीं पता, पीहू मैडम को स्लेटी और मिट्टी के बर्तन खाने की आदत है, इसको मैंने पहले भी समझाया था लेकिन ये नहीं मानी, अब देखो किडनी में पथरी हो गई ना। क्या पथरी, स्लेटी खाने की वजह से? पीहू तुम स्लेटी खाती थी, शादी के बाद भी तुमने खाई है क्या? हाँ अभिषेक जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप चिंता मत करो अभिषेक जी, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, लेकिन हाँ याद रखना कि अब ये सब ना खाइए और इसी के साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना। अभिषेक पीहू को घर ले आता है, जहाँ कुसुम को पीहू के दर्द का कारण पता चलता है और वो पीहू से बोलती है, अच्छा तो ये तू थी जिसके कारण घर में मिट्टी के टुकड़े पड़े रहते थे। हाँ माँ जी, पर अब और नहीं खाऊंगी पक्का। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसी उम्र में अक्सर ये सारी चीजें खाने की आदत लग जाती है, और अब तो तुझे पथरी हो चुकी है, तो प्लीज ये सब छोड़ दे बहू। हाँ माँ जी जरूर। कुसुम इस दौरान पीहू का बहुत ध्यान रखती है, जिसके बाद दवाइयों की वजह से कुछ ही समय के बाद उसका दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, पीहू को लगता है कि वो ठीक हो गई है, और फिर क्या था, वो एक बार दोबारा सलेटी और मिट्टी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अभिषेक पीहू को सलेटी खाता हुआ देख लेता है और उससे कहता है, पीहू तुमको मना किया था ना, तुम फिर शुरू हो गई, भूल गई कैसे दर्द से तड़प रही थी। अरे अभिषेक बाबू, सलेटी हमको छोड़ दे, ये हो नहीं सकता,
हम सलेटी खाना छोड़ दे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ओ मैडम, ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो, दर्द होगा तो आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारी। छोड़ क्यों नहीं देती खाना? घर में खाने की कमी है क्या जो ये खाती हो? क्या करे अभिषेक बाबू, ये तड़प ही ऐसी है, इसकी खुशबू मुझे इसकी ओर जैसे खींची ले जाती है और मदहोश कर देती है, और मैं बस इसे खा जाऊं। ठीक है, खाओ, दर्द हुआ ना तो मदहोश की जगह बेहोश होगी, याद रखना। पीहू अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर से छुप छुप कर मिट्टी और सलेटी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन पीहू रसोई में खाना बना रही होती है कि अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। कुछ ही देर के बाद पीहू दर्द से तड़प रही होती है, जिसके कारण वो जोर जोर से रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान लेगा, जाने अनजाने मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे भगवान। उसकी आवाज सुनकर अभिषेक वहाँ आता है और फिर बोलता है, अनजाने में नहीं मैडम, इस बार जान के किए तुमने ये गलती, पता होते हुए भी कि पथरी है तुम्हें, अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी तुमने, अब तड़प रही हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा। इस बार पीहू को बहुत ज्यादा तेज दर्द था, जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो अब नहीं बच पाएगी। वो दर्द भरी आवाज में अभिषेक से कहती है, अभिषेक जी मुझे प्लीज बचा लीजिए, आपकी कसम आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। अभिषेक पीहू की दोस्त पिंकी को कॉल करके घर बुलाता है और उसे सारी बातें बताता है। पिंकी पीहू को देखते हुए कहती है, सुधरोगी नहीं ना तुम, तुम्हारी मम्मी ने तुमको कितना समझाया था और अभिषेक जी भी कितने प्यार से तुमको समझाते हैं, लेकिन तुम सबकी बातों से ज्यादा इस बुरी आदत से प्यार करती हो। पिंकी की ये बातें सुनकर पीहू को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि उसकी माँ भी उसके ऐसे ही टोका करती थी, और उसको अब दर्द के साथ पछतावा भी हो रहा होता है कि सबने उसकी भलाई के बारे में सोचा और वो खुद ही अपनी खुद की दुश्मन बन बैठी। इस सब के बाद पीहू अच्छे से समझ जाती है कि उसका ठीक रहना कितना ज्यादा जरूरी है, और इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसको अपनी आदत छोड़नी ही पड़ेगी। और फिर वो पिंकी से बोलती है, पिंकी अब से कभी नहीं खाऊंगी, मुझे समझ आ गया यार, और अब ये दर्द मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ, प्लीज मेरा दर्द कम कर दे, ये पथरी निकाल दे यार, मैं मर जाऊंगी इस दर्द से। पिंकी पीहू को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके कुछ ही टाइम के बाद उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। पीहू को ये सब कुछ अब अच्छे से समझ आ चुका होता है कि उसकी आदत से ही उसको दर्द हो रहा है, और हर कोई उसके भले के लिए ही उसे समझा रहा था, इसीलिए अब वो सलेटी और मिट्टी खाना पूरी तरह से छोड़ देती है। और पिंकी के बताए हुए परहेज और दवाइयों से कुछ समय के बाद उसकी पथरी भी किडनी से निकाल ली जाती है, और दोबारा से वो कभी भी सलेटी, मिट्टी या कोई भी ऐसा फास्ट फूड नहीं खाती जो उसके पेट के लिए हानिकारक साबित हो। इसके बाद वो हमेशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।